ये है हमारी कार जिसे हम जाएंगे। ट्रिप हम लोगों ने 00 पर सेट कर दिया है। अभी बज रहे हैं सुबह के 4:40। एक सूटकेस, एक बैग हमने पीछे रखा है। ये पांडा भी जाएंगे हमारे साथ माइंड रिफ्रेश करने के लिए। और एक सूटकेस, एक लैपटॉप का बैग हम लोगों ने बैक सीट पे रखा है। मैडम लेके आइए अपना बैग। मैडम ने अपना बैग, मैं मैडम का बैग लाना भूल गया। अच्छा मैडम को याद आ गया अपना बैग। मॉम ने यहाँ पे कुछ बना के दिया है हम लोगों को, दैट इज मॉम्स लव। उनको लगता है कि रास्ते में कुछ मिलता नहीं है, इसलिए उन्होंने बना के दे दिया है हमें। ठीक है, खाते खाते चलेंगे। ये अगर लेना नहीं होता, ये अगर लेना नहीं होता तो मेरी जर्नी पे खैर नहीं थी मेरी। ये मेरी दूसरी लुगाई को तिलक लगाकर विदाई करने की तैयारी चल रही है। सो फ्रेंड्स, हम लोग निकल चुके हैं अपनी शिलोंग की यात्रा के लिए। आज हम लोग पहले सिलीगुड़ी स्टॉप करेंगे। सिलीगुड़ी जाने के लिए कोलकाता से 3 रास्ते हैं। खाना पूरा दे दिया है गाड़ी को, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। अभी बज रहे हैं 5:27। अभी हम लोग कहीं पे चाय पीने रुकेंगे। हाँ पीएंगे। हम लोग मोरोलेस अभी कोलकाता से निकल चुके हैं। अभी यहाँ पे कहीं पे भी चाय का स्टॉल मिलेगा, हम लोग वहाँ पे चाय पीएंगे। थोड़ा सा ठंड को मारने का कोशिश करेंगे। ठंड को मारने का कोशिश करेंगे। चलो। ये भी बिस्किट खाएगा। आ जाओ। चाहते हैं ना? बिस्किट ऐसे लेगी को? डॉगी जेटा खापे। आओ आओ, इसमें से देखा। पटे पटे पटे। दूध तबे। क्या कर रहे हैं? रुक जाओ। खाने दो, दे रही हूँ। रुकिए। ये आम लोग बचा कर ला। दोनों ताक रहे तुमको। ले ले, झपटी मार ले, हाथ में से ले ले उसका, ऐसे साइड में दो। बहुत जोर से भूख लगी है इसको। हाँ, झगड़ा नहीं कर रहा, देख रहे हो? बोला झगड़ा नहीं कर रहा है, बोले अब देखो झगड़ा कर ही लिया अभी। ये हम लोगों के घर की बनाई हुई निमकी है जो मॉम ने भेजी है हम लोगों को। मॉम ने पैक कर दिया था चाय के साथ खाने के लिए। यहाँ पे डॉगीज भी देख रहे हैं, इन लोगों को भी चाहिए। तो चलिए चाय पी के हम लोग बढ़ते हैं आगे, आनंद लेते हैं ठंडे वेदर में। रुक चलो, खाया ना तुम, अब तुम कपड़ों में चिपकेगा।
चाय पी के हम लोग जल्दी निकलते हैं, बहुत लेट हो चुका है हम लोग को ऐसे भी। तो चलिए चाय पीते हैं उसके बाद निकलते हैं। ये पूरा जैम है यहाँ पे। बारमपुर 84 किलोमीटर है दोस्तों यहाँ से। ये बज रहे हैं 9:30। बरमपुर क्रॉस करने के बाद हम लोगों को बहुत बड़ा जैम मिल गया है रास्ते में। ऐसे ही जैम में अटक अटक के हम लोगों को जाना पड़ रहा है। देखते हैं कब तक फ्री होता है ये रास्ता। A few moments later. लोग फरक्का पहुंच गए हैं। बस अब रुक भी जाइए, ठहरिए कहाँ निकलेंगे। अरे जितना निकल है बहुत लंबा जाम है, निकल के निकल जाएंगे तो बस निकल जाएंगे हम लोग। साइड से जाएंगे चाचा, साइड से जा रहे हैं ऑटो लेके। टोटो लेके रोडर कहाँ जाते आगे। अच्छा गाड़ी को मार ले, मारे है वहाँ पे मारे छे। ठीक है ओके ओके। भैया बोल रहे हैं, बोलते कि आगे जो ओवरटेक करके गया है उसको मारा है, बोले जैम है बहुत आगे। वहां से हम लोगों को ऑफिसर बोल रहे हैं कि चलो साइड से आ जाओ, तुम जल्दी जल्दी आ जाओ, जल्दी जल्दी चलाओ चला आओ। हम लोगों को बोल रहे हैं जाने को। हम लोग निकल गए हैं, देखिए ये रफारक्का नदी। आधा घंटा वेट करने के बाद हम फरक्का पहुंचे हैं। आधा घंटा का जैम में हम लोग अटक अटक के आ रहे हैं। यहाँ पे कहीं पे हम लोग को पार्किंग करना पड़ेगा, ट्रैक्टर सामने से गाड़ी आएगी, रुक लेते हैं यहाँ पे।
पे हम लोगों ने माल्टा क्रॉस कर लिया। किलोमीटर ट्रैवल किया गाड़ी हम लोग अभी, देखते हैं कितना का पेट्रोल लगता है। पेट्रोल है, फोटो कट कर दीजिएगा। लेडीज बात 3241 रुपये हुआ। हम लोग डालकोला इन करने वाले हैं कुछ देर में। आपको शाम के वक्त में ये बैरिकेड्स दिखाई नहीं देंगे, तो आप अपना स्पीड लिमिट में रख के ही चलाइएगा। यहाँ पे कोई रेडियम का या फिर आपका रिफ्लेक्टर नहीं लगाया हुआ है किसी भी बॉक्स पे या किसी भी बैरिकेड पे। हम लोग अभी पूर्णिया मोड़ पहुँच चुके हैं। यहाँ से राइट लेंगे हम लोग सिलीगुड़ी के लिए। सिलीगुड़ी यहाँ से 122 किलोमीटर है करीब। ये कला होटल है, होटल कला। ये बेनिफिशियरी ट्रस्ट के ऊपर चलती है। ये रही हमारी गाड़ी। फ्रेंड्स, इस होटल में कोई लिफ्ट फैसिलिटी नहीं है। इनका रिसेप्शन है, यहाँ पे आपको कमेंट से के रजिस्टर करना पड़ेगा। ये है हम लोगों का रूम। हम लोगों ने डिनर का ऑर्डर कर दिया है कला होटल में। दोस्तों, भूख बहुत जोर की लगी है। कला होटल इन करते वक्त हम लोगों ने बाहर चाउमीन और मोमो का स्टॉल देखा था। चाउमीन या मोमो कुछ ट्राई करते हैं, चलिए। आपको कला होटल के बाहर में ही मिलेगा थोड़ा कला होटल, उसके नीचे ही आपको बाहर निकलते ही मिलेगा मोमो का शॉप, जो कि बनाते हैं चाउमीन, मोमो, पास्ता, एग रोल। मैंने एक प्लेट मोमो ऑर्डर किया है। ट्रैवल ओ फूडी, ओ फूडी ना, ओ एफ डब्लू ओ डी आई ई, डी आई ई। ये देखिए, ये आपका वेज मोमो। Hold it. Let's start eating. Yeah, you can eat. Good morning, friends. हम लोगों ने होटल से चेकआउट कर लिया है। अभी सुबह के बज रहे हैं 9:45। हम लोग सिलीगुड़ी से रवाना हो रहे हैं। ये है सिलीगुड़ी टाउन का सुबह का नज़ारा। दोस्तों, सामने से जो गाड़ियां आती दिखाई दे रही हैं, वो सब सिक्किम गैंगटॉक से लौट रहे हैं। हम लोग सेवक होते हुए अलीपुरद्वार जाएंगे आज। रास्ते में कुछ कुछ स्पॉट्स भी हम लोग कवर करेंगे, जिसे आप हमारे आने वाले वीडियो में चेक कर सकते हो। ये है महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसका मेन एंट्रेंस आपको सुखना टॉय ट्रेन स्टेशन के वहाँ से मिलेगा, जो कि सिलीगुड़ी से 30 मिनट का रास्ता है। अगर आप लकी हैं तो आपको रॉयल बंगाल टाइगर स्पॉट
करने को मिल सकता है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे प्रोपाइन, गोल्डन केट, सांबर, वर्किंग डियर, मंकी, गौर, ये सब मिल सकते हैं। बैठा हुआ है, उसका मुंह देखो ना, लाल है। देखिएगा ना, उसका वीडियो करो, फोन ही छीन लेगा। देखिए बंदर को, उधर है। देखा मेरा शॉर्ट्स लिया, पैसे दो। मेरा शॉर्ट्स लिया, पैसे दे मेरे को, चल। हम लोगों ने शिव केशवी काली मंदिर के दर्शन किए। जहां हम लोगों ने कार पार्क की थी वहां पर हमें कुछ बंदर और कबूतर दिखाई दिए। हम लोगों ने कबूतर को कुछ चारा दिया खाने का, जो कि चिड़वा थे। और उसके बाद हम लोगों ने माता रानी के दर्शन करके अपना ब्रंच कंप्लीट किया, बिकॉज उस समय बज चुके थे दोपहर के 1। उसके बाद हम लोगों ने अपनी यात्रा कंटिन्यू की अलीपुरद्वार की। कोरोनेशन ब्रिज के यहाँ से जो स्ट्रेट रास्ता जा रहा है वो जाता है आपका सिक्किम गैंगटॉक की ओर। हम लोग अलीपुरद्वार की तरफ जाएंगे, हम लोग यहाँ से राइट लेंगे। यह है दोस्तों कोरोनेशन ब्रिज। कोरोनेशन ब्रिज से यहाँ का नज़ारा देखिए दोस्तों, कितना खूबसूरत है यहाँ का नज़ारा। देखिए दोस्तों पहाड़ कितनी खूबसूरत नज़र आ रहे हैं यहाँ से, मज़ा आया। और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। यहाँ पर हम लोगों के साथ कुछ ऐसा हुआ जो कि आपको आगे देखने को मिलेगा। बंदर ने हमारी गाड़ी पर हमला कर दिया था। देखिए ये रहा वो बंदर। यहाँ के बंदर बहुत ही दुष्ट हैं। आसपास देख सकते हो, उस आदमी के हाथ से भी उसने मूड़ी छीन ली है। यहाँ पे अगर आप आते हो तो बंदरों से सावधान रहिएगा। वही हूँ मैं, कोरोनेशन ब्रिज को देखने के लिए गाड़ी पार्क करके उतरा ही था गाड़ी से। मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे इतने बंदर हैं, तो मैं गाड़ी का कांच बंद करना भूल गया। आने के बाद देखा तो बंदर आसपास घूमते दिखाई दिए मुझे। ये देखिए दोस्तों, ये चाय बागान है। आप जो वो पीले रंग का गांच के ऊपर कपड़ा लगाया हुआ देख रहे हो, वो एक्चुअली एक तरह का पदार्थ लगाया हुआ रहता है गांच पे, जिस पे कोई भी इंसेक्ट्स जो चाय के पत्तों को ख़राब करते हैं वो उड़ते वक्त उस पे चिपक के मर जाते हैं। वो एक्चुअली चाय बागान को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाया जाता है। कुछ भी यार 130।
डिपुटो और 133। आने के समय में ये पहला टोल गेट है आपका सिलीगुड़ी से। अलीपुरदार 250 किलोमीटर है यहाँ से। अलीपुरी इन करने ही वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30। ये है अलीपुरद्वार का टाउन दोस्तों, और हम लोग निकल चुके हैं अपनी शिलांग की जर्नी के लिए। गूगल बाबा हमें बता रहे हैं कि शिलांग यहाँ से करीबन 397 किलोमीटर है, और हमें लगेंगे 9 घंटे 7 मिनट अपनी मंजिल को पहुँचने के लिए। यानी हमें बच जाएंगे 3 दोपहर के शिलांग पहुँचने में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पेट्रोल 97.71 रुपीस पर लीटर है, और बंगाल में 106.45 रुपये पर लीटर। यहाँ हम लोगों ने पेट्रोल भराया है 3,121 रुपये का। ठंड काफ़ी है यहाँ पे। शिलांग का तापमान अभी हम लोगों ने सुबह में देखा तो 8 डिग्री दिखा रहा था, और अलीपुरद्वार में 15। ये देखिए पापी आ गया यार। पापी कैसे सो के जा रहा है, वो स्टंट दिखा रहा है। ये बच्ची ये पापी स्टंट दिखा रहा है, स्टंट। देखिए पापी स्टंट स्टंट वाला पापी है ये। देखिए देखिए इसको बीटा सो के जा रहा है ये। उसको अच्छा लग रहा है धूप में खेलने में। देखिए कितने सारे पापीज हैं। छह पप्पी है यहाँ पे। गुलाटी मार रहे तुम लोग आपस में, गुलाटी मारे तुम लोग। लग जाएगा बिट्टू। क्या बिट्टू? इसको 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 भी मजा आ रहा है इसको देख के। एक उधर गया था पानी पीने, सब गुल्ली 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 है। एक गुलाटी आज आज हाथ दे। कैसे जंप कर रही है गुलाटी, आज हाथ दे। देखिए इसको देखिए फिर से। चलो टाटा बाय बिट्टू, बच्चा पार्टी खेलो तुम लोग, टाटा। कैसे धूप में गुलाटी मार मार के देख रहा है। फ्रेंड्स, आप लोग को अलीपुरद्वार से निकलने के बाद 50 किलोमीटर तक रास्ता कुछ ख़राब मिलेगा,
डाइवर्जन्स मिलेंगे, रास्ता उबड़ खाबड़ है, उसके बाद आपको रास्ता बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। यहाँ से बनाएगा हूँ 17 किलोमीटर है दोस्तों। फ्रेंड्स, असम में पेट्रोल करीब 9 से 10 रुपए सस्ता है कंपेयर टू बंगाल पेट्रोल रेट से। तो अगर आप बंगाल से असम इन करते हो तो ट्राई करिएगा अपनी कार में पेट्रोल कम से कम कैरी करें, ताकि आप वहाँ पे कम रेट पे अपनी कार की टैंक फुल करवा सको। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसे कामरूप सेंचुरी भी कहा जाता है, ये आपका 153 किलोमीटर वेस्ट की तरफ है गुवाहाटी से, और आपको बोंगाईगांव के बाद करीब 25 से 30 किलोमीटर टूवर्ड्स गुवाहाटी जाते वक्त आपको मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिल जाएगी। कामरूप सेंचुरी 520 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपको राइनोसोरस, एलिफेंट, बाइसन, डियर, टाइगर, गोल्डन लंगूस, ब्लैक बियर और जंगली सुअर जैसे जानवर देखने को मिलेंगे। मानस नेशनल पार्क जून से सितंबर, कभी कभी अक्टूबर के मिड तक ये पार्क बंद रहता है ड्यू टू हेवी रेनफॉल एंड फ्लड्स इन आसाम। फ्रेंड्स, हम लोग गुवाहाटी पहुंचने ही वाले हैं। हम लोग गुवाहाटी को बाईपास करते हुए टुवर्ड्स शिलोंग की ओर बढ़ जाएंगे। अभी दोपहर के बज रहे हैं 12:30। शिलोंग जाते वक्त हम लोगों को यहाँ पे पाइनएप्पल और फ्रूट्स की शॉप्स दिखी, तो हम लोग सोचे कि पाइनएप्पल ले लेते हैं एक ठू। दीदी हम लोग के लिए पाइनएप्पल कट करके दे रही है। थोड़ा सा खट्टा है दोस्तों ये, मगर टेस्ट है बहुत अच्छा, जूसी है बहुत। ये 3 पीस 100 का है दोस्तों, ये 50 पे 2 पीस है, छोटा है थोड़ा। ये वाले जितने भी है 50 के 1 पीस है, ये 40 के साइज के अकॉर्डिंग इनके रेट है। 17-18 पीसेस के बनाने के 120 रुपए हैं। और ये मछली का देखिए दोस्तों, यहाँ मछली का अचार है, बाम्बू शूट का अचार है, नींबू का अचार भी है, जिंजर का भी है, बहुत रकम के चार है यहाँ पे। क्या रेट है दीदी? 150। सबका 150। कितना ग्राम का है डब्बा? ग्राम नहीं है एक्चुअली इनके पास, जस्ट एक एक डब्बा का 150 करके रेट है। आप यहाँ पे अगर आते हैं तो आपको अगर चाहिए तो आप लेके जा सकते हो।
कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करता हूँ दोस्तों आप लोगों के साथ। आप एक बार अगर शिलोंग के हिल्स पे एंटर कर जाते हो तो आपको दवाइयाँ और कुछ अवेलेबल नहीं मिलेंगी, बहुत कम अवेलेबिलिटी है दवाई की दुकानों की। सो आई वुड सजेस्ट यू टू परचेज द इम्पॉर्टेंट स्टफ्स फ्रॉम योर टाउन और लोकल प्लेस, स्पेशली एंटी वोमिटिंग इफ़ यू आर वन ऑफ दोज अनकम्फर्टेबल इन कर्व्स। और इसके अलावा आप अपने साथ कपूर छाता कैरी करिएगा। छाता का महत्व आपको शिलोंग पहाड़ पे इन करने के बाद पता चलेगा। और आप मॉस्किटो रिपल वाटरप्रूफ केस फॉर योर गैजेट्स लाइक स्मार्टफोन कैमरा ये सब के लिए। आपके मैं और एक इम्पॉर्टेंट सुझाव देना चाहूँगा, आप पहाड़ पे इन करने के बाद आपकी जर्नी जितनी स्टिपुलेटेड टाइम की आप सोच कर रखे हो उससे ज़्यादा की भी हो सकती है, तो इस चीज़ से बचने के लिए आप लोग अपने साथ ड्राई फ्रूट्स पैकेट फूड चॉकलेट्स स्नैक्स ये सब अपने साथ में कैरी करिएगा ताकि अगर आपको भूख लगे तो आप अपनी भूख मिटा पाओ। ये दोस्तों शिलोंग का जीप स्टैंड, यहाँ से आपको चेरापुंजी शिलोंग साइट सीइंग के लिए शेयरिंग जीप और पर्सनल कैब भी मिलेगी। शिलोंग इन करते समय में उसके पहले ही आपको बस स्टॉप मिल जाएगा, सुमो स्टैंड एक्चुअली। वो मैं रेकमेंड करूंगा आप लोग को ऑफलाइन मैप डाउनलोड कर लेने के लिए, आप जहाँ जहाँ पे स्पॉट्स कवर करना चाहते हो वहाँ का आप ऑफलाइन मैप डाउनलोड कर रख लीजिएगा अपने मोबाइल फ़ोन पे, बिकॉज नेटवर्क बहुत सारी जगह पे आपको मिलने वाला नहीं है। लॉज नेम इज BINTI जो कि शिलोंग पुलिस बाजार से करीबन 1 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे इनके यहाँ पे पार्किंग फैसिलिटीज़ भी है, हम लोगों ने अपनी कार यहाँ पे पार्क कर दी है। आइए आपको मैं अपना रूम दिखाता हूँ, ये इनका सिटिंग एरिया है रिसेप्शन जिसको आप बोल सकते हो। ये है हम लोगों का रूम, भैया ने हम लोगों के लिए पानी लेके आ गए। यहाँ पे मिनरल वाटर बोतल अवेलेबल है, ये फिल्टर का है, ये फिल्टर पानी है इनके यहाँ पे, तो मिनरल किया हुआ ऑलरेडी।